आज हम सीखेंगे कि जो हमारे एसी का कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर क्यों बार बार ट्रिप होता है, मतलब क्यों बार बार बंद होता है, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड या फिर मिनट 2 मिनट बाद क्यों वो बार बार बंद हो जाया करता है, ट्रिप हो जाया करता है, वो क्यों बंद होता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे और उसके सोलूशन के बारे में जानेंगे कि उसके सोलूशन क्या है, किस तरीके से हम उस फॉल्ट को सही कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा एसी का कंप्रेसर बार बार ट्रिप करता है ना, बार बार बंद होता है, मिनट 2 मिनट या फिर सेकंड कुछ सेकंड में बंद हो जाता है, तो उसका रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा होगा। उस एसी के पास अगर वोल्टेज कम आएगा तो उस वोल्टेज कम आने की वजह से वो कंप्रेसर सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा, हीटअप होगा और फिर क्या होगा, उसके अंदर जो ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है कंप्रेसर के अंदर वो उसको ट्रिप कर देगा, उसको बंद कर देगा। तो पहला रीज़न क्या है कि वोल्टेज कम आना, वोल्टेज कम आने की वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है। कितना वोल्टेज होना चाहिए, कम से कम एसी के लिए 200 वोल्टेज होना चाहिए। अगर एसी के लिए 200 वोल्टेज या फिर मान लीजिए 80 वोल्टेज 180 वोल्टेज है तो भी सही चलेगा, लेकिन 200 माने तो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब जो 200 वोल्टेज है ना, वो 200 वोल्टेज आपके एसी पे एसी में आना चाहिए, और अगर 200 वोल्टेज से कम आएगा तो ये फॉल्ट होगा कि वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा। तो आपको ये चेक कर लेना कि आपके घर में या आपके एसी में कितना वोल्टेज आ रहा है सप्लाई। तो सप्लाई को सबसे पहले चेक करना है, अगर सप्लाई 200-220 वोल्टेज है तो भाई सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई सही आ रही है, फॉल्ट कुछ और है कंप्रेसर ट्रिप होने का। तो दूसरा फॉल्ट क्या हो सकता है, कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखिए अगर वोल्टेज भी सही है तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर वीक होगा, मतलब उसके अंदर जो कैपेसिटर लगाया गया है कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए जो रनिंग कैपेसिटर लगाया गया है वो रनिंग कैपेसिटर ख़राब हो गया है। उस रनिंग कैपेसिटर ख़राब या कमज़ोर हो जाने की वजह से कभी कभी वो कमज़ोर हो जाता है, पूरे पावर से उसको नहीं चला पाता है, तो क्या होता है वो कंप्रेसर को पूरी सप्लाई तब भी नहीं मिल पाती है और वो कंप्रेसर बार बार ट्रिप करता है। तो अब वो करना क्या है, एसी में जितने एमएफडी का कैपेसिटर लगा है ना उतने ही एमएफडी का कैपेसिटर दोबारा, मतलब उसमें नया लगा देना है, और उसमें नया कैपेसिटर लगाने के बाद तब चलाना है। तो आपको अगर ये फॉल्ट रहेगा कैपेसिटर का तो वो सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादातर ये दो फॉल्ट ट्रिपिंग में होते हैं। तो कंप्रेसर ट्रिपिंग के जो 80% फॉल्ट होते हैं, 80% ट्रिपिंग का फॉल्ट जो होता है वो इन्हीं दोनों वजह से होता है, मतलब या तो वोल्टेज कम होता है या फिर कैपेसिटर, ये ज़्यादातर फॉल्ट आता है एसी में, मतलब कि 80% इसी दोनों का फॉल्ट होता है जिसकी वजह से कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता रहता है। तो मतलब अगर कैपेसिटर लगाने पे सही हो गया तो बेटर है, ठीक है, मतलब जहाँ तक उम्मीद है कैपेसिटर की फॉल्ट रहेगी तो फॉल्ट रहेगा तो फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ अगर आपको उतने MFD के कैपेसिटर नहीं मिलता है तब क्या करेंगे। तो आपको बता दूँ कि अगर उतने जितने MFD का उसमें लगा है एसी में कैपेसिटर, उतने का अगर नहीं मिलता है तो उस पर ये भी लिखा होता है इसमें ±5%, मतलब 5% उसमें कम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो अगर कैपेसिटर लगाने के बाद भी यही फॉल्ट आता है और वोल्टेज भी सही है, कैपेसिटर भी नया लगा दिए, उसके बाद भी अभी कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है तो अब क्या करेंगे। तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो उसकी एसी की सर्विस हुई है कि नहीं है। कभी देखिए अगर कभी कभार ऐसा होता है कि एसी की सर्विसिंग नहीं हुई रहती है तो कंडेंसर पे ज़्यादा डस्ट होने की वजह से उस कंडेंसर के अंदर की हीटिंग सही से नहीं निकल पाती है जिससे कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता रहता है। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि एसी की सर्विसिंग हुई है कि नहीं है। तो अगर एसी की सर्विसिंग नहीं है तो उसको आप सर्विस कर दीजिए, वो प्रॉब्लम जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए मान लीजिए कि आपने सर्विस भी कर दिया, उसकी सर्विसिंग भी सफाई धुलाई भी कर दिया, कंडेंसर की और एवापोरेटर की सफाई धुलाई भी कर दी, मतलब सब सर्विसिंग कर दिए, उसके बाद भी यही फॉल्ट आता है तो अब क्या करेंगे। तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो इसका फ़ैन मोटर है, मतलब कि जो उसमें कंडेंसर फ़ैन मोटर लगा हुआ है, जो कंप्रेसर के पास जो मोटर लगा होता है ना, मतलब कंडेंसर फ़ैन मोटर जो लगा हुआ है, उस कंडेंसर फ़ैन मोटर की स्पीड तो स्लो नहीं हो गई है, कई स्पीड अगर स्लो हो जाएगी या उसका मोटर ख़राब हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो जो कंडेंसर के अंदर हीटिंग है, जो वाष्प रेफ्रिजरेंट मतलब वाष्प गैस की जो हीटिंग है, उस हीटिंग को नहीं निकाल पाएगा, तो जिससे क्या होगा कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर
ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि इस कंप्रेसर जो मतलब इसमें फ़ैन लगाया गया है, फ़ैन मोटर इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, तो उसका जो कैपेसिटर है कहीं वीक तो नहीं हो गया, कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गया है। तो उसमें आप जितने MFD का, मान लीजिए 6 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है अगर उस फ़ैन में, तो उसमें आप 6 MFD का दूसरा कैपेसिटर लगा के, नया कैपेसिटर लगा के चेक कर लीजिए। तो अगर ये फ़ैन की प्रॉब्लम रहेगी तो उससे ये प्रॉब्लम, ट्रिपिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये है कि आप इस तरीके से, मतलब कि अगर कभी आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग कर रहा है तो आप वोल्टेज चेक कर लीजिए, और अगर उसके बाद भी नहीं सही होता तो कैपेसिटर दूसरा लगा चेक कर लीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं होता सर्विसिंग का देख लीजिए सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, अगर उसके बाद भी ट्रिपिंग ही कर रहा है तो उसमें देख लीजिए फ़ैन की स्पीड कहीं स्लो तो नहीं हो गई है। मतलब इन चारों फॉल्ट में से एक ना एक फॉल्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं हुआ करता, अगर मान लीजिए ट्रिपिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना तो कंप्रेसर सही होता है, उसका आप रेजिस्टेंस नाप लीजिए, रेजिस्टेंस सही बताता है रनिंग पे रनिंग, कॉमन पे कॉमन और स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग, तो मतलब बेटर है, मतलब उसका रेजिस्टेंस सही है तो मतलब कंप्रेसर भी जहाँ तक उम्मीद है कि वो सही ही होगा। ट्रिपिंग की प्रॉब्लम बस इन्हीं रीजन की वजह से ज़्यादा आती है, 5-10% सिर्फ इतना होता है, 5% या 4% या 10% इतना होगा कि कंप्रेसर ख़राब होने पर ट्रिपिंग होता है। बट दोस्तों कंप्रेसर ख़राब होने से ट्रिपिंग ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा ट्रिपिंग तब होती है जब ये सारे फॉल्ट उसके अंदर आ जाते हैं, तब ट्रिपिंग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है उसके ट्रिपिंग का, क्यों वो बार बार ट्रिप हो रहा है, मतलब क्यों बार बार वो बंद हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने कंप्रेसर की ट्रिपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी तरीके से तमाम वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें।